हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ दिल्ली के दिल्ली हार्ट में, और इस वीडियो में आप लोगों को दिल्ली हार्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, अंदर जाने के लिए क्या टिकट रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, अंदर आप क्या क्या चीज़ें खरीद पाओगे, क्या क्या चीज़ें खा पी पाओगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हार्ट आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली हार्ट INA का रहेगा। गेट नंबर 5 से आप एग्जिट करोगे, एग्जिट करते ही सामने आपको दिख जाएगा दिल्ली हार्ट, और मेट्रो स्टेशन से निकल के बस 2 कदम पे ही है दिल्ली हार्ट। पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, अंदर किस तरह के शॉप्स आपको दिखेंगे, क्या क्या आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, खाने पीने में आप क्या क्या चीज़ें खा पी पाओगे, सब कुछ दिखाऊंगा। पूरा दिल्ली हार्ट एक्सप्लोर करवाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। यहाँ का टिकट प्राइस आप देख सकते हो, एडल्ट का टिकट रहेगा 30 रुपये, चिल्ड्रन जो कि 5 साल से 12 साल के होंगे उनका टिकट 20 रुपये रहेगा, और फॉरेन के जो लोग हैं उनके लिए 100 रुपये का टिकट रहेगा। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, 16 फरवरी से लेकर 30 नवम्बर तक इसका जो टाइमिंग रहता है 10:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है, और 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक इसका जो टाइमिंग रहता है 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। टिकट हमने ले लिया है टिकट काउंटर से, अब अंदर चलते हैं और आपको दिल्ली हार्ट घूम के दिखाते हैं। तो एंट्री हो चुकी है, और एंट्री होते ही इस तरह के स्टॉल्स वगैरह में दिख रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब दिल्ली हार्ट कार्यालय होगा, बैठक कक्ष है, हॉल है हमारे राइट साइड में, ये कलाम स्मारक है सामने की तरफ, रंगस्थल है सामने की तरफ, शिल्प हार्ट है आगे की तरफ, खान पान आगे की तरफ है, बाल कीड़ा सलाई की तरफ है, वॉशरूम एरिया भी आगे की तरफ है, भी चल रहा है, और इधर बहुत सारे आपको स्टॉल दिख जाएंगे। इस वाले स्टॉल पे ना आपको इस तरह के वाटर फाउंटेन मिल जाएंगे जो होम डेकोर के लिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी बहुत कुछ होगा यहाँ पे, देखो इस तरह के नक्काशी वाले मूर्ति आप यहाँ से खरीद सकते हो, परफ्यूम होगा, धूप बत्ती वगैरह ये सब भी यहाँ से खरीद सकते हो, होम डेकोर के सामान आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। बैग होगा इधर, बैग भी खरीद सकते हो, और एक सामने वाला जो स्टॉल है लेडीज़, यहाँ पे आपको टॉप वगैरह दिख रहा होगा तो ये टॉप खरीद सकते हो, ड्रेसेस होंगे इस तरह के ड्रेसेस होंगे, बाकी वॉल पेंटिंग्स वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हो, ये देखो इस तरह के ड्रेस होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों देख सकते हो बैग की कितने शानदार कलेक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे बैग आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से एंट्री करा है हमने, एंट्री करके सबसे पहले ये वाला स्टॉल मैंने आपको दिखाया है, इसमें बैग और होम डेकोर के बहुत सारे आइटम्स मैंने आपको दिखाए है। उसके बाद ये वाला जो शॉप है ना, ये लेडीज़ एसेसरीज का था, जैसे इयर रिंग्स हो गया, ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस हो गया। अब ये वाला शॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ, C2 नाम से है ये वाला शॉप, और ये लेडीज़ सैंडल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जूतियाँ मिल जाएंगी आपको बहुत सुंदर सुंदर, ये देखो कितने सुंदर सुंदर जूतियाँ हैं, जूते हैं, जूते भी हैं जूतियाँ भी है। तो दोस्तों इधर के 2-3 शॉप मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। इधर एक बैग और चटाई का शॉप है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या है। तो देखो इस तरह के बैग्स वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हो, कितने का होगा भैया ये बैग? 600 का है। ये चटाई है, डाइनिंग टेबल मैट्स। अच्छा टेबल मैट्स है। ये बैग कितने का होगा? 100 का। ये कितने का होगा? 75,000 का है। नेचुरल ग्रास से बना। अच्छा वॉल हैंगिंग के लिए 75,000, बहुत। ये बैग देखो इसमें ना लिखा हुआ है 650 का है, ये 400 का है, ये 750 का है, सारे बैग में लिखे हुए हैं। ये 1800 का है, ये वाला जो बैग है ना ये 450 का है, ये हैट है ये कितने का है? 250। ये 250 का होगा। ये देखो बहुत कुछ होगा, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इस वाले शॉप पे। एंट्री करते ही सामने आओगे थोड़ा सा, आते ही आपको ये वाला शॉप दिखेगा, शॉप नंबर 16। हाँ स्टॉल नंबर 16। हैंडीक्राफ्ट वर्क आप इस वाले शॉप पे देख पाओगे, चाहे बैग पे हो चाहे चटाई पे हो, और मैट्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, मिलती है लेडीज पार्ट्स, मिलती है ऑर्गेनाइजर, मिलती है। अच्छा ऑर्गेनाइजर भी है आपके पास, फाइल फोल्डर भी मिलती है। अच्छा फाइल फोल्डर भी है, ये कितने का है? 300। अच्छा ये 300 में आप ये खरीद सकते हो यहाँ पे,
बाहर भी आपको 200 का तो बाहर मिलता है, लेकिन ये आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। ये कितने का है? 400। ये 400 का है भाई, कितना प्रीमियम है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेट का शॉप है वो, इसमें लिखा हुआ है, बाकी कारपेट क्या क्या मिलेगा वो दिखाया हुआ है। ये वाला जिस, ये भी वेस्ट बंगाल का है, आपको यहाँ पे साड़ी मिल जाएगा, ड्रेसेस के लिए कपड़े मिल जाएंगे, ये इस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या क्या होगा भैया आपके पास? सूट साड़ीज और अच्छा सूट और साड़ी होगा आपके पास। स्टॉल नंबर 17 है, बैग के जस्ट बगल में, और काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे साड़ी के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगला जो स्टॉल है, स्टॉल नंबर 18 है, ये बिहार का स्टॉल है, मधुबनी पेंटिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। ये मधुबनी पेंटिंग्स होगा, बाकी ये जूट के प्रोडक्ट्स आप खरीद पाओगे। ये दीदी ये पेंटिंग्स कितने के हैं? सभी रेंज के, 1700। ये कितने का होगा? 1500। ये 1500 के हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? कॉट सेट्स हैं। ये कितने के होंगे एक कप बता दो? 1500 के। और ड्रेसेस होंगे यहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग्स होगा इस तरह के, 50 रुपये से लेकर 25,000 तक का सामान मिल जाएगा। स्टॉल नंबर 18 रहेगा। ये जूट के प्रोडक्ट है ना? अच्छा सिक्की ग्रास है। नहीं पूछ रहा हूँ इसीलिए ना, मेरे को पहचान नहीं है, ये सिक्की ग्रास से बना हुआ प्रोडक्ट है। स्टॉल होगा स्टॉल नंबर 19, और ये भी आपको साड़ी सूट वगैरह मिल जाएंगे, इसमें सिल्क साड़ी एंड ड्रेसेस मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अगला जो स्टॉल है, स्टॉल नंबर 20 है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल, ये हरियाणा का स्टॉल है, और इस तरह के आपको यहाँ पे ना क्या बोलते हैं दोस्त इसको, हेरम पैंट्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो इस तरह के आपने ऋषिकेश में इस तरह के पैंट पहनते हुए देखा होगा, तो इस तरह के मिल जाएंगे, पिल्लो मिल जाएंगे, बेडशीट्स वगैरह मिल जाएंगे, बेडशीट वगैरह भी होगा ना, बेडशीट चादर ये सब मिल जाएगा इस वाले स्टॉल पे आपको। ये वाला जो स्टॉल है ये 20 है, बैग का स्टॉल है, साथ में और भी बहुत कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हो। इस तरह के देखो डोर मैट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और अच्छे अच्छे मतलब बैग आपको मिल जाएंगे इस तरह के। ये देखो इस तरह के सुंदर सुंदर बैग आपको मिल जाएंगे, बहुत कुछ है इस वाले स्टॉल पे। सारे स्टॉल मैंने दिखा दिए, यहाँ पे ना एक मधुमक्खी बना हुआ है, जो यहाँ पे आपको देख, यहाँ पे आप देख सकते हो एक फूल के ऊपर बैठा हुआ है। बाकी इधर और भी बहुत सारे स्टॉल है, सेम टाइप के स्टॉल है। देखो ये बैग का है, ये साड़ी का है, मैट्स का होगा, ये बेडशीट का होगा बेडशीट, और ये स्टॉल नंबर 113 का है, स्टॉल मध्य प्रदेश का है, 114 मतलब 114 स्टॉल नंबर है ना, 114 है ना, इंदौर मध्य प्रदेश, स्टॉल नंबर 111। ये वाला स्टॉल नंबर 111 है, और ये इंदौर मध्य प्रदेश का स्टॉल है। इस तरह के लेदर के प्रोडक्ट आप खरीद पाओगे, देखो होम डेकोर के लिए आप ले सकते हो ये सब चीज़ें यहाँ से, कई सारे एनिमल आप यहाँ से खरीद सकते हो, बेल्ट मिल जाएगा आपको, ये देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ इस तरह के मिल जाएंगे। फर्म का स्टॉल है, और टेक्सटाइल हैंड एम्ब्रॉयडरी का ये शॉप है, तो इस तरह के शर्ट्स आप यहाँ से खरीद सकते हो, ये ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि आगे भी इस तरह के बहुत सारे शॉप आपको मिल जाएंगे। ये साड़ी और सूट का है, आगे भी इस तरह की बहुत सारे शॉप है, इधर भी देखो, इधर भी शॉप, इधर भी बहुत सारे स्टॉल है। दोस्तों नीचे के सारे स्टॉल मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब मैं ऊपर आ गया, ऊपर आते ही सबसे पहले ना मेरे को ये बैग का स्टॉल दिखाया है। ये देखो इस तरह के स्टॉल नंबर लिखे हुए हैं, 38, 39, 40, 41, ज़्यादातर स्टोर्स क्लोथिंग से रिलेटेड है। होम डेकोर के लिए आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। ये मणिपुर का स्टॉल है, कोना, और जूट प्रोडक्ट आपको इस वाले स्टॉल में मिल जाएगा। ये स्टॉल नंबर 43 है, बिहार का है, फॉल पेंटिंग मिथिला पेंटिंग वाला स्टॉल है, और ये तमिलनाडु का है, टेक्सटाइल हैंड एम्ब्रॉयडरी का ये स्टॉल है। बहुत सारे स्टॉल है, आप देखो ना इस तरफ भी है उस तरफ भी है। तो अलग अलग स्टेट के प्रोडक्ट्स अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप दिल्ली हाट में आके
खरीद पाओगे। बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पे। मैं फूड कोर्ट वाले एरिया में आ गया हूँ, तो यहाँ के फूड कोर्ट पे आप अलग अलग स्टेट के फूड खा पी पाओगे। ये वाला जो स्टॉल है ये जम्मू कश्मीर का है, क्या क्या खा पी पाओगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। असम स्टॉल बनाया हुआ है यहाँ पे, असम के फूड्स आप खा सकते हो। तो उधर से हम लोग आए हैं, बहुत सारे गली पार करके इस तरफ आ गए। बहुत बड़ा मार्केट है ये, यहाँ पे फूड स्टॉल्स और भी कई सारे दिख जाएंगे आपको। उस तरफ बहुत सारे फूड स्टॉल दिखे थे हमें, थोड़ा आगे आने के बाद इस तरफ भी बहुत सारे फूड स्टॉल दिखेंगे अलग अलग स्टेट के। ये तमिलनाडु का फूड स्टॉल है और तमिलनाडु के फूड आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। बाकी बहुत कुछ है ये देखो। फूड बारिश स्टार्ट हो गया, बारिश। तो इस वाले स्टॉल पे आप होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीद पाओगे। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वुडन होंगे। अगला जो स्टॉल है ये क्रॉकरी से रिलेटेड है और होम डेकोर के भी कुछ आइटम्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह के चेयर्स आप यहाँ से खरीद पाओगे। इधर ये क्लोथिंग से रिलेटेड है, ये S8 है। S8 वाले स्टॉल पे आपको ये ब्रास की मूर्ति मिल जाएगा। इस तरह की बहुत सारे मिल जाएंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े। इधर पूरा का पूरा स्टॉल ब्रास की मूर्तियों से रिलेटेड है।